35 साल के इस अभिनेता ने खुद की जान ले ली है। हालांकि जैसे ही ये खबर आई, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में शोक की लहर है। अभी इनकी शादी को फिलहाल एक ही साल हुआ था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने खुद की जान ले ली, क्या रही है खबर, मैं हिना कुमावत आपको फिल्म विंडो पे बताऊंगी। तो कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के टीवी अभिनेता संपत जे राम का निधन हो गया है। वो सिर्फ 35 साल के थे। 22 अप्रैल को नेलमंगला स्थित अपने घर पर उन्होंने अपनी जान दे दी। अभिनेता के निधन के बाद से इंडस्ट्री में काफी शोक है। रिपोर्ट्स के अनुसार संपत को काफी समय से काम नहीं मिल रहा था, जिस वजह से वो परेशान चल रहे थे और तनाव का शिकार होने लगे। कई इंडस्ट्री के लोगों ने इस बात पर शोक व्यक्त किया है और सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा है कि अभिनेता को कुछ समय से पैसों की तंगी थी। अभिनेता को टीवी सीरियल अग्नि साक्षी से घर घर में पहचान मिली थी और इस सीरियल के जरिए उन्होंने अपनी दमदार अधिकारी से लोगों का दिल जीत लिया था। अब अग्नि साक्षी में जो उनके को एक्टर थे विजय सूर्या, उन्होंने बताया कि अभिनेता काफी समय से अच्छे प्रोजेक्ट की तलाश कर रहे थे। वहीं अभिनेता के को स्टार रहे राजेंद्र ध्रुव ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर संपत की मौत पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, इतनी सारी फिल्में हैं, इतना संघर्ष बाकी है और इस मंच पर देखने के लिए बहुत कुछ है, कृपया वापस आए और अपने सपनों को साकार करें। फिलहाल जो संपत है, उनके परिवार और दोस्तों की तरफ से किसी तरह का कोई बयान नहीं आया। हम आपको बता दें कि पिछले साल ही उनकी शादी हुई थी, लेकिन जो अग्नि साक्षी में उनके को एक्टर रहे हैं, उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि वो पिछले कुछ समय से पैसों की तंगी से जूझ रहे थे और अच्छे काम की तलाश में थे, जो उन्हें नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया होगा। फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है। इसको लेकर अगर कोई भी खबर आती है या इन्फॉर्मेशन आती है तो हम आप तक लेकर जरूर आएंगे।